दोस्तों आज की वीडियो में रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑब्वियसली हम लोग डायोड के मदद से रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डायोड के मदद से बहुत ही इजी तरीके से हम लोग रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, मगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों डायोड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है। डायोड एक तरफ तो वोल्टेज को ले जाने देता है, मगर इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये डायोड जितना करंट आएगा उतना ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा, और जितना ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करेगा इतना ही ज्यादा हीट आउटपुट देगा और पावर लॉस करेगा। इसीलिए हमको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन में डायोड को इस्तेमाल ना करके कैसे काम कर सकते वो देखते हैं। दूसरा जो मेथड आता है वो डायोड ही है, बट अब इस डायोड की वजह शॉर्ट की डायोड इस्तेमाल करके करते। शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, नॉर्मल डायोड से बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, 0.2 वोल्ट की जैसा, उससे आप ज्यादा एम्पियर ले जा सकते हो, बट हाई करंट के हिसाब से 0.2 वोल्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग मॉस्किट की मदद से रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम को कैसे काम में ले सकते वो देखते हैं। तो दोस्तों मॉस्फेट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, मॉस्फेट अगर ऑन कंडीशन में रहे तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है बहुत कम होता है। मॉस्फेट के अंदर इनबिल्ट एक डायोड होता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल डायोड की तरह होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये मॉस्फेट जब ऑन होता है तब बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, इसका ऑन रेसिस्टेंस इसको कहते हैं। तो आप देखते हैं इसका रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन काम कैसे करते हैं। मॉस्फेट को इसको अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो ये सिंबल है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ये सिंबल ऊपर की तरह होगा क्योंकि पी चैनल मॉस्फेट नेगेटिव से ऑन होता है, मगर आप यहाँ पर देख सकते हो ये पी चैनल मॉस्फेट है। तो इसमें क्या होगा, अगर इधर से पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दोगे तो ये तो इधर से करंट कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसका इनबिल्ट डायोड है, ये करंट कंडक्ट करेगा, और क्योंकि ये नेगेटिव से ऑन होता है तो नेगेटिव सेंस कर तो ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा एंड करंट कंडक्ट करेगा। मगर अब अगर इसमें इधर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव और इधर पॉजिटिव दे देते हो, तो अगर इसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट करते हो तो एक तो इसका जो इनबिल्ट डायोड है वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर से नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब इधर से करंट नहीं जाएगा, और ये पी चैनल मॉस्फेट होने के लिए इधर पॉजिटिव होगा तो ये मॉस्फेट ऑन नहीं होगा। तो ऐसे आप मॉस्फेट की मदद से रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है डायोड की वजह। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डायोड इस्तेमाल करते हो तो रिवर्स पोलैरिटी में वो थोड़ा सा करंट कंडक्ट कर लेगा। और दोस्तों इसके बाद और एक तरीका है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, मगर वो तरीका बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो कि एक डायोड को इस तरह से कनेक्ट कर देना जहाँ पर इधर से एक फ्यूज भी आपको चाहिए होगा। तो क्या होगा, अगर आप रिवर्स पोलैरिटी में देते हो तो क्या होगा, अगर आप सही पोलैरिटी यूज करते हो तो ये डायोड ऑफ रहेगा, मगर अगर आप गलत पोलैरिटी देते हो, मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव दे देते हो, तो ये डायोड इधर से करंट को कंडक्ट करेगा और फ्यूज को ब्लोन अप कर देगा। तो ये सर्किट का यूज करने का फायदा एक ही है कि ये सर्किट पावर लॉस नहीं करता। मॉस्फेट बहुत कम पावर लॉस करता है, मगर कुछ ना कुछ पावर लॉस तो वो भी करता है, मगर ये सर्किट नहीं करता। बट ये सर्किट को यूज मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर लोड में कोई भी सेंसिटिव चीज है तो वो खराब हो सकता है, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में जब डायोड से करंट जाएगा कुछ करंट वो लोड से भी जाएगा, तो लोड को भी ये खराब कर सकता है। तो ये बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ रिवर्स पोलैरिटी में उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है तो ये तरीका वेस्ट है, मगर आपको फ्यूज बार बार चेंज करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप कोई भी सजेशन हो वो भी दे सकते हो, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।